हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। मैं हूँ सरिता सबरवाल आपके साथ और एवरी थर्सडे किसी ना किसी सेलिब्रिटी के साथ आपकी सेवा में हाजिर होती हूँ। आज भी मेरे साथ एक सेलिब्रिटी है, एक सिंगर है, एक अनोखे सिंगर है जिनकी आवाज बिल्कुल मुकेश जी से मिलती है। और आप सभी मुकेश जी के कितने बड़े फैन हैं ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि जब भी हम मुकेश जी के गीत सुनते हैं तो बहुत सूदिंग आवाज, उनकी बहुत ही प्यारी सुरीली सी आवाज हमारे कानों में रस खोलती है और हम उस आवाज को बार बार सुनना चाहते हैं। खैर, मैं इनका परिचय आपके साथ कराऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं जरा आपसे पूछ लूं, ठीक तो है ना? खुश हैं, खैरियत से हैं, जिंदगी के हर पल को इंजॉय कर रहे हैं, ये उम्मीद ये आशा मैं हमेशा रखती हूँ। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, चहकते रहें और महकते रहें। और जो मैं गेस्ट लेकर आ रही हूँ आजकल आपकी सेवा में कोविड के दौरान, मुझे उम्मीद है इन सभी इंटरव्यूज को, सभी कन्वर्सेशन को आप पसंद कर रहे हैं। आपके मैसेजेस मुझे बराबर मिल रहे हैं, जिसके लिए मैं तह दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश करूंगी कि जल्दी से मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप वो सब इंटरव्यूज भी देख पाएं जो आप अब तक मिस कर चुके हैं। तो आइए अब आज के प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ आज के अपने गेस्ट से। नाम है इनका मुख्तार शाह। ही इज अ क्रिमिनल लॉयर by profession. He's an advocate. He's an advocate at Criminal Court Ahmedabad since 1988, but he is better known for his golden voice that closely resembles to the legendary singer, yes, one and only, late Mukesh Ji. In January 2015, he sang 130 songs of Mukesh Ji for 13 hours continuously without a break in Mumbai, which got him in the Limca Book of Records, Asia Book of Records and the India Book of Records. अब इतने काबिल, इतने अच्छे सिंगर हैं और हमने सोचा क्यों ना हम अपने प्रोग्राम की शान बढ़ाएं इनकी आवाज से, इनकी बातों से, इनसे खूब सारे मुकेश जी के गाए हुए गीत भी सुने, जिससे आपका भी मनोरंजन हो, हमारा भी मनोरंजन हो और किसी भी आर्टिस्ट के बारे में जानकर हमेशा हमें खुशी होती है कि वो निजी जीवन में, प्राइवेट लाइफ में कैसे हैं, किस तरह से उन्होंने अपने करियर का सफर आगे बढ़ाया। तो आइए मिलकर इनका स्वागत करते हैं। ये हैं मुख्तार शाह जी, जिनसे मेरी ये पहली मुलाकात नहीं है, वर्चुअल पहली मुलाकात है, यानी कि वो वहां हम यहाँ, लेकिन पहले मैं इनसे मिल चुकी हूँ, इनके शोज कंपेयर करने का भी मुझे अवसर प्राप्त। नमस्कार, कैसे हैं मुख्तार? नमस्कार, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और आपको देखकर और बहुत खुशी हो रही है मुझे सरिता जी। आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम में आपने मुझे आज इनवाइट किया है, हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल की बात होगी, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपके इस चैनल यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आपके सभी फैंस जो हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनसे मुखातिब होने का मौका मिला है। जी, और आपके सभी फैंस भी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे उम्मीद है कि मुख्तार जी के बारे में बहुत सारी बातें जानकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सो मुख्तार भाई, क्या होता रहा कोविड के दौरान, कैसे कोप किया? क्योंकि स्पेशली आई नो बाय प्रोफेशन यू आर एन एडवोकेट, लेकिन जो स्टेज आर्टिस्ट होते हैं उनका स्टेज के साथ एक बहुत प्यारा सा क्लोज नाता होता है, और जब वो स्टेज पर नहीं होते हैं तो उन्हें कुछ खलता है, कुछ कमी महसूस होती है। क्या ऐसा आपने भी बहुत महसूस किया? ऑफ कोर्स सरिता जी, ये कोविड का जो टाइम आया कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, और किसी ने शायद सोचा नहीं था कि इतना खराब ये वक्त हो सकता है कि जिसमें सारी दुनिया एक तरह से जैसे रुक जाएगी। जी। और शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल स्टॉप हो गया था, पूरी दुनिया स्टॉप हो गई थी, कर्फ्यू जैसी सारी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे कलाकारों ने एक रास्ता ढूंढा कि सभी लोग घरों में बैठे हैं
उनको एंटरटेन करने के लिए ऑनलाइन शोज धीरे धीरे शुरू हुए और लोगों को भी अच्छे लगने लगे। तो काफी सारे हमने भी लोगों के सपोर्ट से ऑनलाइन शोज किए और सो फार मैंने लॉकडाउन के दरमियान में अब तक 42 ऑनलाइन शोज किए मैंने, और काफी सारे सभी कलाकारों ने ऑलमोस्ट, चाहे वो हमारे अहमदाबाद के हों, बम्बई के हों, दूसरी जगहों के, सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से ऑनलाइन शोज किए। तो वो एक जो स्टेज पर जो गाना होता है वो एक अपनी उसकी अलग बात होती है, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर यही एक रास्ता था लोगों के साथ जुड़े रहने का, संगीत के साथ जुड़े रहने का, और हम सब कलाकारों ने मिलकर कोशिश की कि लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव बना सकें और ज्यादा एनर्जी दे सकें या म्यूजिकली एंटरटेन उनको कर सकें। जी, मैंने भी कुछ एक आपके शोज देखे जो कि आपने वर्चुअल शोज किए और बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, एंड यू हैड सो मेनी फैंस जॉइन यू एंड इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले, बहुत अच्छा लगता है देखकर। फिर मुख्तार जी, मैं आपसे एक बार जानना चाहूंगी कि अब कोविड के दौरान बहुत से आर्टिस्ट ने ट्रैक्स पर गाया क्योंकि म्यूजिशियंस अलाउड नहीं थे कि एक साथ बैठ कर वो शो कर पाते, और अगर आप वर्चुअल म्यूजिशियन कहीं और बैठे हैं, आर्टिस्ट कहीं और गा रहे हैं, तो वो बात नहीं बनती है, एको भी होता है एंड डिस्टरबेंस होती है। सो सभी ने, मोस्टली सिंगर्स ने ट्रैक्स पर गाना शुरू कर दिया। डू यू थिंक व्हेन यू गो बैक नाउ, इंडिया में तो हो रहे हैं लाइव शोज, थोड़े बहुत शुरू हो चुके हैं, इवेंट्स पर लोग बुला रहे हैं सिंगर्स को, आर्टिस्ट को, कि वो आए और परफॉर्म करें, तो आपको लगता है कि ये जो ट्रैक्स पर गाने का सिलसिला शुरू हुआ, सभी ने कैरियोके करना शुरू कर दिया, तो इससे आर्टिस्ट को या म्यूजिशियंस को फर्क पड़ेगा? यस, देखिए ट्रैक्स पे गाने का वैसे सिलसिला तो काफी टाइम से कुछ कलाकारों ने शुरू कर दिया है और कुछ सिंगर्स काफी उसमें एक्सपर्ट भी हैं कि वो ट्रैक्स पे गाने में बहुत उनको महारत है। मैं, मुझे बिल्कुल भी इसका तजुर्बा ज्यादा नहीं है, बहुत कम मैंने ऐसे प्रोग्राम किए हैं जो मैंने ट्रैक्स पर गाए होंगे, और लॉकडाउन के दरमियान में भी शायद मैंने एक दो प्रोग्राम ऐसे किए जो म्यूजिक के ट्रैक्स पर थे, लेकिन बाकी के सारे प्रोग्राम फिर हमने म्यूजिशियंस के साथ ही किए। जहां तक सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में ट्रैक्स पर गाना ज्यादा बढ़ जाएगा और म्यूजिशियंस कम हो जाएंगे, मुझे बहुत ज्यादा इसके अंदर फर्क वैसे नहीं ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा। मतलब कि म्यूजिशियंस के साथ गाना, उसकी एक इम्पैक्ट ही पूरी अलग है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि एक लोगों के दिमाग में एक बात आ गई कि अगर कहीं किसी को बजट का शायद इश्यू है, जगह की अगर इश्यू है, तो शायद वो लोग ऐसा करें कि कुछ कलाकार को बुला के ट्रैक्स पर के भाई अब कराओके पर गा लो और वैसे अपना प्रोग्राम कर लें। लेकिन म्यूजिशियंस के साथ जो प्रोग्राम होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कंप्लीट लगते हैं, और उसमें ऑन द स्पॉट आप जो कुछ भी करना चाहो, गाना चाहो, वो आप गा सकते हो, कर सकते हो, और उसकी इफेक्ट, वो एक कंप्लीट इफेक्ट होती है जो म्यूजिकल इफेक्ट और एंटरटेनमेंट लोगों को चाहिए होता है। जी जी जी, एक्चुअली जैसे कि आपने कहा कि लाइव सिंगर म्यूजिशियंस के साथ बात ही कुछ और है, क्योंकि अगर आप कुछ इम्प्रोवाइज भी करना चाहते हैं या आप अपने ऑडियंस को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उन्हें कोई इन बिटवीन जोक सुनाना चाहे, तो आप म्यूजिशियंस तो है, लाइव में म्यूजिशियंस आपको फॉलो करते हैं, वेयर एज ट्रैक पर गाते हैं तो आपको हमको फॉलो करना पड़ता है, यू हैव टू बी 100% परफेक्ट कि उसके साथ आप जा सके, तो ट्रैक पर गाना थोड़ा मुश्किल है। जी, मेरे हिसाब से है, लेकिन बहुत लोगों के लिए बहुत आसान है, पर मेरे लिए है मुश्किल। राइट, ओके, राइट। ये तो कोविड के दौरान जो हालात रहे उससे कैसे कोप किया, तो हमने थोड़ी बात की उसके बारे में, पर आपने बहुत कुछ अचीव किया है अपने इस म्यूजिकल सफर में, और साथ साथ आप एडवोकेट हैं, क्रिमिनल लॉयर, वो भी क्रिमिनल लॉयर है, तो आप हमें बताइए क्रिमिनल लॉयर एक का इतना संगीत के साथ कैसे नाता जुड़ा? सरिता जी, संगीत के साथ नाता तो वो कुदरती तौर से, एक जो बचपन से शौक होता है गाने का, वो बचपन से शौक था।
स्कूल के अंदर, हाई स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर टैलेंट कंपटीशन वगैरह जब भी होती थी गाते थे, और वो गाते गाते ही थोड़ा सा प्रोफेशनली काम करना शुरुआत हो गई। उसके साथ साथ एलएलबी भी चल रहा था, फिर एडवोकेट हो गए। एडवोकेट बनने के बाद ऐसा सोचा कि फुल टाइम वकालत कर लें, तो थोड़ा सा एक एक 1.5 साल म्यूजिक को थोड़ा साइड में करके फुल टाइम कोर्ट भी गए। लेकिन दोनों काम इतने बड़े फील्ड हैं, म्यूजिक और लॉ, के दोनों को अगर जस्टिफाई करना हो तो द सेम टाइम आप दो प्रोफेशन को नहीं कर सकते हो। बिल्कुल अगर कुछ अच्छा आपको करना है तो किसी एक ही प्रोफेशन में रहकर आप उसको फुली डेडिकेशन के साथ अगर करेंगे तो आपको जो रिजल्ट चाहिए तभी वो आप गेन कर सकेंगे। ये शुरुआती दौर में मुझे भी तकलीफ आती थी, कभी प्रोग्राम के वजह से अपना लीगल प्रोफेशन डिस्टर्ब होता था और कभी उसके वजह से प्रोग्राम डिस्टर्ब होते थे। तो देन सब्सिक्वेंटली मैंने ये सोचा कि दो में से कोई एक को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो मेरा ऑफ कोर्स ज्यादा रुझान जो था, दिल जो था, वो म्यूजिक की तरफ था, तो मैंने म्यूजिक को पसंद किया और उसको ही ज्यादा मैंने किया, उसी में काम। और कोर्ट के अंदर मेरे दो कलीग थे शुरुआत में, वो लोग सब काम करते थे, फिर बाद में दो अब हमारे जूनियर हैं, असिस्टेंट हैं, तो वो लोग अपना काम लीगल सब कुछ देख लेते हैं। हाँ, जब फ्री होता हूँ वीक डेज के दरमियान में तब कोर्ट में जाता हूँ। अभी इन दिनों तो कोरोना में सब कुछ बंद है, कोर्ट वगैरह सब कुछ ऑनलाइन ही, अभी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चलता है काम। लेकिन जब रेगुलर कोर्ट चलती है तो जब फ्री होता हूँ तब जाता हूँ, जो मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, ज्यादा काम और वक्त मेरा म्यूजिक में ही जाता है। जब दोनों को इक्वल तवज्जो दे रहे थे, म्यूजिक को भी और लीगल को भी, तो उस जी वक्त का क्या कहना था, उनका क्या रिस्पॉन्स था कि हमारे लिए भी कुछ टाइम है या नहीं है? फैमिली का, जी फैमिली तो अभी तक भी कंप्लेन करती रहती अभी है भी कि हाँ अभी भी वो तो एक उनका राइट है कि कंप्लेन करते रहो। बिल्कुल सो उसके साथ ही सब कुछ चलाना पड़ता है। सब कुछ बैलेंस जितना हो सकता है उतनी कोशिश करते हैं, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ सब ठीक ठाक है। फैमिली, काम, हेल्थ, सब कुछ बहुत मेहरबानी है मालिक बहुत अच्छी बात है कि दोनों प्रोफेशन को आप पूरे बैलेंस करके चलाते रहे हैं और इतने सालों से काम कर रहे हैं और की। इतनी एक्नॉलेजमेंट आपको मिली है आपके म्यूजिक फील्ड में भी। आपने हिंदी फिल्मों में गीत नहीं गाए लेकिन गुजराती फिल्मों में गीत गाए, आपकी प्राइवेट एल्बम्स भी हैं, उसके बारे में भी मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आपने मुकेश जी की ही आवाज को क्यों चुना, क्यों, क्या लोगों ने, जब आपने पहला ही गाना गाया और मुकेश जी का गाया हुआ वो गीत था, सबको वो आवाज बहुत पसंद आई, आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि ओ यू साउंड सो मच लाइक मुकेश, तो क्या उसने फिर आपको एनकरेज किया कि आप मुकेश जी के ही गाने गाएं? हाँ, जब मैं जब स्कूल में था तब फिल्म कभी कभी बहुत पॉपुलर मूवी हुआ करती थी, और मैं जब भी अक्सर वक्त मिलता था और कभी भी कोई फ्री टाइम में अगर टीचर मुझे खड़ा करते थे गाने के लिए, तो मैं पल दो पल का शायर हूँ ये वाला गाना कई मरतबा गाता था। तो उसके वजह से हुआ ऐसा कि हमारे जो दोस्त थे तो वो मुख्तार की जगह मुझे मुकेश मुकेश बुलाने लगे, और अरे उस वजह से थोड़ा सा मेरी तवज्जो ज्यादा मुकेश जी की आवाज की तरफ भी गई। ये भी एक वजह है, और दूसरी वजह ये भी है कि उनकी आवाज इतनी खूबसूरत है, इतनी सूदिंग है, इतनी इतनी आवाज के अंदर एक अपनापन है, एक खिंचाव है, कि उनकी आवाज जितना आप सुनते जाते हैं तो वो आवाज जो है आपको और ज्यादा अच्छी लगती है। और यही वजह है कि मैं जैसे जैसे मुकेश जी के गाने फिर ज्यादा सुनने लगा तो मुझे वो भी बहुत अच्छे लगने लगे और उनको गाना भी बहुत अच्छा लगने लगा। तो वहां से ऐसा हो गया कि सिर्फ हम मुकेश जी के ही गाने गाते रहे। ये तो तब मुझे लगता नहीं कि शुरू में इतना रिजेम्बलेंस रहा होगा, लेकिन शायद गाते 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 थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि, और मैं समझता हूँ कि अगर उनकी आवाज या उनका जो सिंगिंग या उनका जो काम है, अगर हम उनको 5-10% भी जस्टिस दे सकें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात जी
आपने कहा कि मैं तो कल का शायर हूँ, वो गीत मुझे बहुत पसंद था, या कभी कभी वो फिल्म आई थी उन दिनों में तो वो गीत गाते थे, लेकिन यू रिमेम्बर कि आपने अपनी जिंदगी में सबसे पहला गाना मुकेश जी का कौन सा गाया? वैसे जब स्कूल टाइम में तो मैंने यही वाला गाना गाया था, विच इज नॉट, वो कोई प्रोफेशनल वो प्रोग्राम नहीं था, वो तो ऐसे जस्ट फ्री सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और अगर कुछ टाइम है, तो पहला गाना तो मैंने यही गाया था, मैं पल दो पल का शायर हूँ। लेकिन जब मैंने कमर्शियली गाना शुरू किया, और एक हमारे यहाँ की बहुत रिनाउंड ग्रुप है, अब तो नहीं चलता है वो ग्रुप, पहले हुआ करता था और काफी शोज उनके होते थे और काफी मशहूर था वो ग्रुप बाबरा एंड पार्टी, उसमें मैंने पहली मर्तबा स्टेज पर गाया था और गाना जो था वो था सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। So can we request you कि please वो सुहाना सफर याद कीजिएगा? जी 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 अभी यहाँ पर कुछ सिस्टम नहीं है, आप देखें मेरा जो असली आवाज है उसी के अंदर जैसे मैं गा रहा हूँ, यहाँ कोई अपना पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है और इस वक्त मैं घर में ही बैठा हुआ हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर 11:15 ऑलरेडी बज चुके हैं। और सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत और रिसेम्बलेंस है, वो भी पता चलता है कि यू नो मुकेश जी का गाना है। और ऐसे है कि मुकेश जी की आवाज इतनी सूदिंग, इतनी अलग सी आवाज थी कि वो म्यूजिक शुरू ही होता तो लगता है ये गाना मुकेश जी के लिए ही बना, कोई और नहीं, जी का ही गीत है। उन्होंने अपनी जिंदगी में आए, if I'm not mistaken, about 992 गाने गाए हैं और उनके हर गाने में beautiful उनका जो लहजा बोलने का डिलीवर करने का, किस तरह से उन्होंने अपने वर्ड्स को डिलीवर किया है म्यूजिक के साथ, किस तरह से उसे इतना यादगार बना दिया, इस बहुत रिमार्केबल है। और ये भी कहा जाता है कि मुकेश जी की आवाज में गाए हुए गीत चाहे 992 या ओवर 1000 है, आई एम नॉट श्योर, ये जो है हम विकिपीडिया से ही देखते हैं पर कितने एक्चुअली कितने उन्होंने गीत गाए, पर उनके मैक्सिमम गाने हिट हुए थे। डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल, उनका जो सक्सेस रेशियो अगर आप गिने कंपैरेटिव टू अदर सिंगर्स एंड ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर सिंगर्स, मुकेश जी के गाए परसेंटेज वाइज अगर आप निकालें तो उनके सक्सेस यानी मशहूर गानों की परसेंटेज सबसे ज्यादा है जी। उनकी उनके जो सरिता जी जो 992 सॉन्ग्स का आपने जिक्र किया, तो एक हमारे गुजरात से ही सूरत शहर में हरीश रघुवंशी साहब रहते हैं जिन्होंने ये बुक निकाली थी मुकेश गीत कोश, उसमें पहला एडिशन जब निकाला था 992 थे, लेकिन फिर कुछ गाने ऐसे उनको बाद में मिलते गए जो कहीं ना कहीं लोगों के ख्याल में नहीं आए थे, तो अभी उन्होंने लेटेस्ट फिर से एक मुकेश गीतमाला का सेकंड एडिशन निकाला है एंड नाउ द फिगर रीच्ड अप टू 1053 नियर अबाउट यू नो 1000 55 गानों के फर्क हो गया। जी जी, सो तो आपने स्टेज पर गाना भी शुरू कर दिया, आपने साथ में प्रैक्टिस भी करते रहे, लीगल प्रैक्टिस भी चलाते रहे और इस तरह से सिलसिला आगे बढ़ता रहा। तो इस दौरान आपके बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ भी काफी अच्छी रैप हो रही है, जैसे जैसे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी के, आनंद जी भाई के साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता बना रहा है। और इनफैक्ट मैं यही कहूंगी कि रीटा को भी मैं थैंक्स करना चाहूंगी, आनंद जी जिन्होंने आपको कांटेक्ट किया कि सरिता के शो में आइए, तो थैंक यू सो मच कि आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और आज हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सो वो रिश्ता मैं जानना चाहूंगी कि उनके साथ आपकी मुलाकातें होती थी उन दिनों में जब आपने गाना शुरू किया, तो उन दिनों में मुकेश जी के गीत चल रहे थे जैसे कभी कभी या मैं पल दो पल का शायर हूँ और सरस्वती चंद्र के गीत थे, वो तो
70s से पहले की फिल्म है, पर फिर भी मुकेश जी के गीत चल रहे थे। कभी आपको हिंदी फिल्मों के लिए ऑफर नहीं किया गया कि इस गाने में हमें मुकेश जी जैसी ही आवाज चाहिए, तो आपको उसमें क्यों चांस नहीं मिला? ओके सरिता जी, मैं भी रीटा जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे फोन करके और मुझे कहा कि सरिता सबरवाल जी के आप इस खास प्रोग्राम के अंदर आइए। तो आज उनका फोन भी इनफेक्ट आया था, जब मैं ऑफिस से निकल रहा था तो रीटा जी का फोन भी आया मुझे कि अभी कुछ देर के बाद आपका इंटरव्यू देखेंगे, और शायद हो सकता है आनंद जी भाई अब इन दिनों एज के कैसे पड़ाव पर हैं कि शायद थोड़ी सी तबीयत उनकी नरम गरम हमेशा रहती है, शायद वो सुन भी रहे हो इस वक्त आनंद जी साहब। लेकिन जब मैंने गाना शुरू किया था इट वाज ऑलमोस्ट 85-86, और उसके बाद तब मैं शुरुआती दौर के अंदर फिर जैसा मैंने बताया कि थोड़ा सा कॉर्ड थोड़ा सा प्रोग्राम, तो मैं बहुत कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर रहा था और सिर्फ मुकेश जी के नहीं गाता था उन दिनों में, सब कुछ दूसरे दूसरे भी गाने गाता था। मुकेश जी का जो गाने का मैंने सोचा कि बाकी अब दूसरे गाने बंद करें और सिर्फ मुकेश जी के ही गाने गाएंगे, वो दैट आई डिसाइडेड 1999। और तब तक मैं बॉम्बे शोज करने नहीं आता था, मैंने बॉम्बे शोज करना शुरू किया अभी 2011 से। तो एक तो ये था कि अगर हिंदी गानों के लिए जो बॉम्बे में रहना या उस दौर के अंदर जब मुकेश जी की डेथ हुई उस टाइम पर शायद अगर मैं बॉम्बे में गा रहा होता तो शायद ये मौका जल्दी मिल जाता, लेकिन अब इन दिनों थोड़ा सा म्यूजिक का स्टाइल गानों का तरीका ये सब कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। नीड्स लोगों की और शायद उन लोगों की अलग हो गई है, म्यूजिक डायरेक्टर के कंपोजिशन थोड़े से डिफरेंट बनने लगे हैं। तो और ना ही कभी मैंने बाकायदा कोशिश की है कि किसी को मैं अप्रोच करूं, क्योंकि मैं जो स्टेज पर काम कर रहा हूं मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूं, आई एम सो मच कंसेंट्रेट, और मुझे खुशी है कि मुकेश जी के गीतों के जरिए मैंने इतना काम किया है। सरिता जी आप तो जानती हैं कि मैं इंग्लैंड भी इतनी मरतबा आता हूं, हमने साथ में भी शोज किए हैं, तो ऑलमोस्ट मैं हर साल मेरे 175-200 शोज मैं करता हूँ सिर्फ मुकेश जी के गीतों के जरिए। तो और व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि आपने मोर देन 5,000 लाइव शोज किए हैं, मोर देन 5,000 एंड इन 35 कंट्रीज में गए हैं आप, और उसमें एक कंट्री है यूके जहां लंदन में जब भी शो होता है तो आपसे मुलाकात होती है और होती है बिल्कुल जी। तो अच्छा, हमारी बात हो रही थी इस बारे में कि आपने फिल्मों में क्यों नहीं, तो आपने इसका हमें जवाब दिया, लेकिन कुछ एक गुजराती फिल्मों में आपने गीत गाए। हाँ मैंने एक हमारे एक दोस्त हैं समीर रावल, उनके एक दो फिल्मों के अंदर गुजराती फिल्में थी, उसमें उन्होंने गाने का मुझे मौका दिया था, तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि उन दो फिल्मों में मैंने गुजराती गाने गाए हैं। जी, तो हमारे गुजराती व्यूअर्स के लिए एक दो लाइनें अगर गुजराती गाने की हो जाए। ओ राधा तारा बिना तारो श्याम छे आना, ओ राधा तारा बिना तारो श्याम छे आना। अभी मुझे बहुत ज्यादा वो गाना याद नहीं है क्योंकि नया कंपोजिशन होता है, तो वो कुछ सालों पहले मैंने गाया था लेकिन मुझे इसको तो याद नहीं आ रहा पूरी तरह से गाना, क्योंकि तब तो वो नया कंपोजिशन होता है वो उसी टाइम पे लिरिक्स होते हैं वही वो लोग तैयार कराते हैं और वही गा लेते हैं रिकॉर्डिंग का, और ये पुराने गीत जो मुकेश जी के हम स्टेज पर हैं तो उसमें यही फर्क है जी। और जब आपने ये रिकॉर्ड कायम किया था कि 13 hours एक यू नो विदाउट एनी ब्रेक यू संग 130 सॉन्ग्स ऑफ मुकेश जी, तो किस तरह से चुने थे गीत? तो ये मेडली थी कि थोड़े थोड़े गाने गाए, मतलब दो दो पहरे तो होते ही हैं, टू स्टैंजा होते ही हैं,
उसमें आपने पूरे पूरे गीत गाए थे या मैगली बनाई थी एक और थोड़े थोड़े गीत? ये जो जो रिकॉर्ड हमने किया था 24 जनवरी 2015 और बॉम्बे के अंदर रविंद्र नाट्य मंदिर है वहां पे ये शो हुआ था, और हेमंत महाले जो हेमंत कुमार म्यूजिक ग्रुप है यूट्यूब पर बहुत मशहूर ग्रुप है, काफी सारे लोग मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो हेमंत कुमार जी बहुत सारे उनके मैंने शोज किए, और वो हेमंत कुमार महाले साहब जो हैं उन्होंने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। तो हमने दोपहर 12 बजे से शुरू किया था और रात को 1 बजे तक ये प्रोग्राम हमने किया था, और उसमें दो पैराग्राफ गाना तो कंपलसरी था हर गाने का, जो गानों में अगर 3 पैराग्राफ हैं तो भी आपको 2 तो कम से कम गाने ही हैं। उसके साथ साथ ऐसा भी था कि जैसे एक गाना है वो चांद खिला वो तारे से रात अजब मतवाली है, लता मंगेशकर जी का गाना है, उसमें मुकेश जी की एक ही लाइन है, ना समझे वो अनाड़ी है, वो गाना हमने रखा था अंदर ये सोच करके कि कुछ गाने ऐसे रख दो जिसमें फीमेल पार्ट रहे और मेल को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। वो गाना वो लोग उन्होंने काउंट नहीं किया क्योंकि उसमें सिर्फ मुकेश जी की एक ही लाइन थी, उनका कहना यह था कि एटलीस्ट एक पैराग्राफ तो होना ही चाहिए मुकेश जी का गाने में। तो हाँ, वो महले साहब ने पूरा लिस्ट बनाया था, वैसे तो सारे जो उनके मशहूर मशहूर गाने थे ऐसे सिलेक्ट करके 130 गाने उसमें निकाले गए थे, और म्यूजिशियंस के साथ हमने 2 दिन उसकी रिहर्सल की थी। 1 दिन रिहर्सल के बाद फुल रेस्ट के लिए मेरे लिए रखा गया था, और 4th दिन हमने ये प्रोग्राम किया था। How difficult was it? डिफिकल्ट बहुत मुझे नहीं लगा, शुरू करने से पहले मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा था कि पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और दिल में एक डर था कि अगर नहीं कर पाया तो बहुत बेइज्जती होगी क्योंकि सब जगह इतना सारा बोल दिया गया है कि भाई हम ये दिन कर रहे हैं ये प्रोग्राम लेकिन महले साहब ने काफी सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था, ENT डॉक्टर्स वगैरह भी स्टेज पर हाजिर रखे थे, और सिक्योरिटी भी ऐसी थी कि कोई मुझे डिस्टर्ब करने नहीं आए, कोई बात करने नहीं आए, क्योंकि जब अनाउंसमेंट बीच में चलता था वो थोड़ा सा एक हमको टाइम मिलता था, ब्रीदिंग स्पेस जिसको आप बोल सकते हैं कि पानी पी लिया या लेकिन जो लोगों का प्यार था, क्योंकि वो ऑडिटोरियम में प्रोग्राम था तो ऑडिटोरियम के 4 शो का पार्ट किया गया था, दोपहर में 12 से 3, फिर 3 से 6, 6 से फिर 9 और 9 से फिर 12, ऐसे 4 पार्ट में लोगों को टिकट्स सेल की गई थी, तो मतलब ऑडियंस भी रहता था शो में, तो वो जो ऑडियंस का प्यार था जो उनका बूस्ट था वो एनर्जी बहुत देता रहा, और उससे हिम्मत बहुत बनी रही, खुशी बहुत रही, संगीत की एक अपनी खुशी भी है, मुकेश जी के गानों की भी एक अपनी खुशी थी, तो इस वजह से बहुत आसानी से फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया ऐसे ऐसा लगा कि स्ट्रेंथ और वापस वो बढ़ती जा रही है, और खास करके जब मैंने 100 गाने गा लिए उसके बाद मैं बहुत ही रिलैक्स था और बहुत खुश था कि अब मैंने 100 कर लिए तो अब ये कंप्लीट हो जाएगा टारगेट। सो टारगेट था कि 130 गाने ही गाने, टारगेट था कि आपने 13 आवर्स ही गाना है, वो हाँ, किसी उसमें को उसमें हाँ दो बातें थी, एक किसी का 103 गाने गाने का रिकॉर्ड था और वो ब्रेक करना था पहले, तो वो हमने जब ब्रेक कर दिया तो उसके बाद ये हुआ कि भाई किसी दूसरे का एक रिकॉर्ड है 12 घंटे गाने का, तो ये कि अगर इसको आपको ब्रेक करना है तो आपको 12 घंटे से, हमने 11.5 घंटे में 103 गाने कंप्लीट कर दिए थे, तो आप और गाओ, तो फिर मैंने और 1.5 घंटा गाया, तो मैंने सोचा कि ये दूसरा रिकॉर्ड भी अभी गला चल रहा है तो कर ही दो तो दूसरा भी रिकॉर्ड हो जाए। जी, सो मुक्ता जी, आपको याद है कि पहला गाना किस गाने से शुरू किया था और किस गाने पे खत्म किया था? एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके हेमंत जी ने अभी उसके पूरा जो प्रोग्राम था उसके एक एपिसोड बना के पूरा यूट्यूब में डाला हुआ है, और वो मेरे नाम से उसमें है, उसमें भी काफी शायद मिलियन के ऊपर उसके व्यू हो चुके हैं, तो वो If I'm not mistaken, you started Suhana Safar. अच्छा, okay.
पर मैं एंड ऑफ डे देखिए, देख आपको आपको याद हाँ है हाँ सो उसके 1 मिलियन से ओवर उसके व्यूज हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और थैंक हम यू थैंक यू। चाहेंगे कि इसी तरह से और भी बहुत ज्यादा आप रिकॉर्ड्स ब्रेक करते रहें और हमें अपनी मधुर आवाज सुनाते रहें। हाल ही बहुत में बहुत ड्यूरिंग शुक्रिया कोविड आपने एक और काम भी किया है जिसे शायद आप भूल रहे हैं, और मैं चाहूंगी जी आप अपने ऑडियंस के साथ शेयर करें। और वो है कि आपने एक यूएसपी, एक जमाना था जी कि एलपीज एंड ईपीज होते थे, फिर उसके बाद कैसेट्स आ गई, उसके बाद सीडीज जी आई, और अब आपने एक यूएसपी रिलीज किया है। कितने गाने हैं उसमें और कैसे कंपाइल किए? हाँ, एक तरीके से सरिता जी, हम लोग वैसे तो खुशकिस्मत समझे जाएंगे संगीत के फील्ड का, जहां तक सवाल है कि हमने वो दौर भी देखा कि जब बहुत छोटे थे तो वो ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड चलता था, उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट के अंदर एक चेंजर सिस्टम होता था जहां पे जाके पैसे डाल के वो रिकॉर्ड वगैरह बजाते थे। फिर कैसेट का भी टाइम हमने देखा, उसके बाद सीडी वाला टाइम भी देखा, और अब ये यूएसबी आ गई है। तो लॉकडाउन के दरमियान में मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों को मेरे गीतों का कलेक्शन लोग मांगते हैं, तो मैंने अपने जो गाने थे उनका ऑडियो कलेक्शन शुरू किया, और मैंने देखा कि कितने होते हैं। तो पहले 225 ऑडियो सॉन्ग्स करके हमने वो पेन ड्राइव एक अपना रिलीज किया था, और जी अभी उसको एक 1.5-2 महीना हुआ और हमने दूसरे 25 गाने उसमें ऐड किए, तो अब वो हो गया है 250 गीतों का ये पेन ड्राइव है जो इस वक्त मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। बात है। सो इज इट अवेलेबल ऑनलाइन और कैसे? यस, ऑनलाइन वैसे अवेलेबल है, मेरे ऑफिस से अगर कोई कांटेक्ट करें तो। अभी सरिता जी जैसा है कि आप देख रहे हैं कि कोविड के टाइम में थोड़ा सा कुरियर वगैरह सब कुछ हो नहीं पा रहा है, तो जी हम थोड़ा सा अब्रॉड भेजना मुश्किल हो जाता है, और पेन ड्राइव वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक होता है उसके लिए थोड़ा ज्यादा फस करते हैं। जी तो लेकिन जैसे थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा तो सब जगह अवेलेबल रहेगा। वैसे कुरियर तो चला जाता है सब जगह, अगर मेरे ऑफिस को कोई कांटेक्ट करेगा तो जरूर आपको पेन ड्राइव मिल आपके जाएगा। ऑफिस में ही है, मतलब अमेज़ॉन या इस तरह से नहीं खरीद सकते हैं? अभी अभी हमने वहां पे उन लोगों को अप्रोच नहीं किया है जी। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि जब आप एस्टेब्लिश हो गए, आपने बहुत सारे गीत स्टेज शोज किए, परफॉर्मेंस दी, उसके बाद आपने सोचा कि नई म्यूजिक की ट्रेनिंग लेनी चाहिए क्योंकि आपने बचपन से कोई म्यूजिक की ट्रेनिंग नहीं ली थी, तो आपने वॉइस ट्रेनिंग भी ली और उसके साथ साथ संगीत की ट्रेनिंग भी ली, तो उसके बारे में अगर आप बताना चाहें। जी, कुदरती तौर से जैसा जो गाने का शौक था उसके जरिए हम गाने तो स्टेज पर लगे, और लेकिन जब कभी भी हम दूसरे सिंगर्स को ऐसा देखते हैं कि जो म्यूजिक बाकायदा सीखे हुए हैं, और या उनका उनका रियाज करने से, संगीत सीखे हुए होने की वजह से उनके गले काफी ऐसे ग्रेसफुल होते हैं, और उनकी गायकी बहुत अच्छी होती है, तो वो एक थोड़ा सा एक अफसोस दिल में कहीं ना कहीं उसकी कसक रहती है कि हम सीख नहीं सके। सो बीच में मैंने कोशिश किया कि थोड़ा सा वॉइस कल्चर, एक हमारे प्रोफेसर सुधीर खांडेकर साहब हैं, उनके पास मैंने थोड़ा कुछ लेसन्स लिए वॉइस कल्चर के, और एक कृष्णकांत परीख साहब हैं, अभी तो उनका स्वर्गवास हो चुका है, उनके पास मैं कभी कभी जाया करता था ऐसे ही थोड़ा सा म्यूजिक के बारे में जानकारी लेने के लिए, कुछ सीखने के लिए। बहुत ज्यादा जी मैं बाकायदा फिर भी सीख नहीं सका हूँ लेकिन हाँ, मैंने थोड़ा बहुत उन लोगों के पास से थोड़ा सा वक्त दिया जी। यू बीन वेरी मॉडेस्ट, तो आपने बताया हमें। और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो कृष्णकांत पारिक जी हैं वो डिसाइपल रहे हैं पंडित जसराज जी के, उनसे भी उनके सीखते उनके रहे। शागिर्द थे हाँ जी, उनके शिष्य थे जी। अब जैसे कि मैंने आप पहले भी जिक्र किया कि आपने आनंद जी भाई एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उन सबके साथ भी बहुत सारे स्टेज शोज भी आपने किए हैं, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ, देन बहुत सारे डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ जिनमें कलाकार
कविता कृष्णमूर्ति का नाम भी आता है, श्रेय घोषाल के साथ भी आपने स्टेज शेयर किया है, इसके अलावा कुमार सानू, शान जी, सब, तो इन शोज के बारे में बताइए जब आपने ये स्टेज उनके साथ शेयर किया। मुझे आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड के अल्लाह ने ऐसा मौका दिया कि उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जिन्होंने मुकेश जी को इतने सारे गाने उनके म्यूजिक में गवाए हैं जी। और उनमें एक तो आनंद जी साहब हैं, कल्याण जी आनंद जी वाले, और उसके साथ साथ हमारे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल साहब हैं, कल्याण जी भाई के सन जो हैं विजू शाह जी हैं, उनके साथ भी मैंने काफी प्रोग्राम्स किए हैं, और राजेश रोशन जी के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला, और इन सारे प्रोग्रामों में कई सारे प्लेबैक सिंगर्स हमेशा रहे हैं गानों के लिए, तो उन लोगों के साथ रिहर्सल करना, उनके साथ बैठना, उनकी बातें सुनना, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला, काफी एनकरेजमेंट मिला, और ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य है कि वो स्टेज पर हमें खड़े होने का मौका मिला जहाँ इतने लेजेंडरी आनंद जी भाई हैं, प्यारेलाल साहब हैं, राजेश रोशन साहब हैं, वो स्टेज पर जहाँ खड़े हैं वहां खड़े रहकर गाना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, एक बहुत बड़ा इनाम। जैसे सरस्वती चंद्र के गीत, कितने ब्यूटीफुल गाने, और इसके अलावा पूर्व पश्चिम में मनोज कुमार की जी जी की तो आवाज ही थे, राज कपूर जी की आवाज ही, तो वो पुराने गाने उनमें बहुत रस है, और बहुत सी बातें हुई। अब मैं एक गाना सुनना चाहूंगी आपसे, कोई भी अपनी पसंद करिए। अच्छा चलिए, आपने जिक्र किया है, मैं कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक उसमें मुकेश जी के काफी सारे गाने हैं, और बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं उनके उसमें। आपने जिक्र किया अभी चंदन सा बदन, तो दो लाइनें उसी गाने की, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। क्या बात है, इसकी एक अंतरा भी मुझे ये काम कमान भवे तेरी, पलकों के किनारे खजरारे, माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे, साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। बहुत थैंक्स। अब सिंगर्स के साथ तो आपने बताया, म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ आपने उनके बहुत से स्टेज शोज किए और उनसे मुलाकात हुई, बट यू आल्सो शेयर्ड स्टेज विद अमिताभ बच्चन साहब, गोविंदा जी, इन सबके साथ भी आपने शेयर किया है स्टेज, सुदेश भोसले और भी बहुत सारे एक्टर्स के साथ, तो वो किस तरह से हुआ उसके बारे में? विजू शाह साहब का प्रोग्राम, वो हमेशा एक 24 अगस्त जो है वो कल्याण जी भाई की डेथ एनिवर्सरी होती है, तो उस साल वो हमेशा शो करते हैं, और हमेशा क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब का कल्याण जी भाई के म्यूजिक रूम से एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है, वो उन्होंने खुद स्टेज पर ये बात बताई है कि शुरुआती दौर में उनका ये कल्याण जी भाई का म्यूजिक रूम है, वो उनका अड्डा हुआ करता था, और वो काफी वहां जाते थे, बैठते थे, और आप जानती हैं कि उसके बाद से जब अमिताभ जी स्टेज प्रोग्राम करने लगे तो कल्याण जी आनंद जी का ही म्यूजिक हुआ करता था, वही ऑर्केस्ट्रा होता था, और उनके साथ उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों में बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं,
तो ये पूरा श्रेय जो है अमिताभ जी के प्रोग्राम का और उनको स्टेज पर लाने का वो कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी जाता है। और तो उनके प्रोग्राम में जब बीजू भाई उनको हमेशा हर साल इनवाइट करते हैं, तो एक प्रोग्राम में जब मैं भी था तब वो वहां पर आए हुए थे और कुछ देर उनके साथ वो वक्त बिताने का, स्टेज पर वो जहाँ थे वहां रुकने का हमें भी मौका मिला। और एक बहुत खूबसूरत उनको एहसास है, बहुत खूबसूरत यादें हैं जिस दौरान। लेकिन वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है अमिताभ साहब के, जब वो होते हैं तब बाकी सारी चीजें बहुत छोटी दिखाई देती हैं। तो एक हाँ जबरदस्त उनका एक ऑरा है, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। दूसरी बात के गोविंदा जी के साथ हम लोग इसराइल टूर पर गए थे और उनके साथ भी काफी वक्त बिताने का मौका मिला। अब्रॉड में होते हैं तो थोड़ा ज्यादा वक्त उन लोगों के साथ बिताने का वक्त मिल जाता है, इंडिया में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। और उनके साथ हमारे शो से दो हमारे अलग प्रोग्राम थे और एक गोविंदा जी के साथ प्रोग्राम था, तो वो भी बहुत खूबसूरत, वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, और बहुत अच्छी यादें हैं उस उनके साथ की भी। और सभी बाकी प्लेबैक सिंगर्स या फिल्म के जो कलाकार हैं, जो इतने बड़े कलाकार हैं, वो बड़े शायद इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनका दिल इतना बड़ा होता है, उनकी जहन, उनकी सोच, उनकी काइंडनेस इतनी अच्छी होती है, इतने डाउन टू अर्थ होते हैं, इतने पोलाइट होते हैं, इतने स्वीट होते हैं और इतना प्यार से मिलते हैं। तो ये बहुत हमारी सौभाग्य है, किस्मत है हमारी कि हम इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त भी एसोसिएट हो सके। जी देखिए, जैसे आपने बताया कि दे आर वेरी काइंड हार्टेड, बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि ओ दे आर स्टार्स, लोग होते हैं वो आपसे बात नहीं करेंगे, पर ऐसा नहीं, रियलिटी में दे आर वेरी नाइस। हाँ, कभी कभी जब काम प्रोफेशन की बात आती है तो नेचुरली उनके जो मैनेजर्स हैं वो नहीं आपको आगे आने देते, वो नहीं आपको बात करना जी यू नो चाहते कि वो आप उनसे मिले, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर वेरी बिजी स्केड्यूल, पर अदरवाइज दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। और जी अमित जी से तो बहुत सी यादें जुड़ी हैं हमारी भी, बहुत अच्छा बहुत अच्छे इंसान, और बहुत अच्छे इंसान। आई यूज टू वर्क फॉर टीवी एशिया, जो पहला यहाँ पर टेलीविजन चैनल खुला था, तो टीवी एशिया पर उनके ब्रदर अजिताभ भी इन्वॉल्व थे काफी, तो काफी दफा अमित जी से बहुत दफा मुलाकात हुई, एंड उनकी याददाश्त की दान देनी पड़ती है, इतनी अच्छी अच्छा उनकी अच्छा याददाश्त है, बहुत अच्छी, हमेशा याद रखते हैं हर एक बात को, वाह छोटी छोटी बात वाह को। पर एनीवे, आज आपके दिल की बातें हैं, तो आज दिल की बात आपसे ही पूछना चाहूंगी। हमने दुनिया भर में बहुत से शोज किए, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत मिले होंगे, जहां भी जाते हैं वहां आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले, लेकिन जब मुकेश जी के ही बेटे नितिन मुकेश ने आपसे कहा कि मैंने दुनिया में बहुत से लोगों को गाते सुना है, लेकिन ना नियरेस्ट आवाज जो मुकेश जी के बिल्कुल करीबी आवाज है वो आपकी है, तो आपको कैसा लगा? जाहिर जाहिर बात है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। और ये उनकी ग्रेटनेस है नितिन मुकेश जी की, वो अपने आप में इतने बड़े सिंगर भी हैं, इतने बड़े इंसान हैं और मुकेश जी के बेटे हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर वो कुछ कहते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। तो मुझे बहुत खुशी हुई उनकी ये बात सुनकर। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगेगा कि अगर नितिन मुकेश जी को कॉम्प्लीमेंट ये दे रहे हैं कि आपकी आवाज मुकेश जी से काफी रिजेंबल करती है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी, क्या वो एक शो था जिसमें वो गेस्ट आए हुए थे और आप गा रहे थे, उसके बाद आपने एक कॉम्प्लीमेंट उससे नहीं, रिसीव किया, या फिर वैसे ही उन्होंने आपसे जिक्र? ये किसी एक फंक्शन के अंदर जब हम साथ में थे तब उन्होंने बात कही थी। राइट, ओके। अब मैं आपको दुनिया के टूर में ले चलती हूँ, बहुत सी कंट्रीज में आपने परफॉर्म किया, चाहे वो यूके हो, साउथ अफ्रीका हो, कनाडा, दुबई, यूएसए, हॉलैंड, इजराइल, थाईलैंड, यू नेम इट, आप केनिया, हर एक जगह जा चुके हैं, वेस्ट इंडीज, सभी जगह आपने परफॉर्म किया है, लेकिन कहाँ, किस कंट्री की ऑडियंस आपको बहुत अच्छी लगती?
अब ये मत कहिए कि क्योंकि मैं यूके में हूँ तो आपके यूके की ऑडियंस बहुत अच्छी लगती है। नहीं, ये है कि जहां तक ताल्लुक है हमारे इंडियंस और काफी हद तक हमारे पूरे एशिया के जो लोग हैं वो जहाँ कहीं भी हैं और उनका हमेशा रूट्स जो हैं वो इंडिया से जुड़े रहते हैं और इंडियन म्यूजिक जो है हमारे बॉलीवुड का संगीत, उनके गाने सभी को अच्छे लगते हैं, तो जहाँ कहीं भी जाते हैं वैसे अप्रिसिएशन बहुत मिलता है और बहुत अच्छे लोग उसकी दाद देते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो ऑलमोस्ट ऐसा मैं शायद उसको वो नहीं कर सकूंगा कि कहाँ बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे मैं शुरुआत में केनिया जाता था तो वो दौर में, जब आज से मैं 28-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि तब उस दौर में हमारे इंडियंस इतने सारे वहां पर रहते थे, अभी तो काफी लोग वहां से माइग्रेट कर गए हैं, तो उस दौर में बहुत जबरदस्त वहां रिस्पॉन्स हुआ करता था पुराने गीतों का। उसके बाद मैं इंग्लैंड आया हूँ तो अपने लंदन में भी हमारे लोग जो हैं उसमें खास करके हमारे गुजरात के जो लोग हैं और वो लोगों का रिस्पांस बहुत बहुत प्यार मिलता है। कनाडा में भी बहुत लोग अच्छे हैं और हॉलैंड, हॉलैंड भी एक ऐसी जगह है जहाँ मुकेश जी के गीतों को बहुत पसंद किया जाता है और ऐसे ही सूरीनाम है जहाँ से हॉलैंड के ज्यादातर लोग जहाँ से आए हैं सूरीनाम में बहुत लोग पसंद करते हैं गीतों को। वैसे मोर और लेस देखा जाए तो सरिता जी सभी जगह संगीत लोग पसंद करते हैं, मुकेश जी को गीतों को पसंद करते हैं और उसी वजह से हम लोगों को भी वो प्यार मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैंने सुने है कि मुख्तार जी कि यहाँ लंदन में आपकी कोई सिस्टर रहती है। जी मेरी, हाँ यस यस, जिसको आप या मुंह बोली बहन कह सकते हैं या गॉड सिस्टर कह सकते हैं, मेरी बड़ी बहन समान है वो और टीलू दीदी, मैं उनको दीदी हमेशा बुलाता हूँ, टीलू बहन पटेल बहुत लोग जानते होंगे उनको तो, और उनके काफी सारे मैंने ऑनलाइन शोज भी इन दिनों किए हैं और शायद इस वक्त वो इंटरव्यू देख भी रही होंगी, तो यहाँ से मैं उन्हें हेलो करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, उनका आशीर्वाद हमेशा चाहता हूँ। दी टीलू दीदी, टीलू दीदी जो कि बहुत से चैरिटी शोज भी ऑर्गेनाइज करती हैं, बड़े दिल वाली हैं, बहुत प्यार करती हैं, यहाँ की सारी सारी सभी उनके जानने वाले उन्हें टीलू दीदी से ही जानते हैं और टीलू दीदी बहुत प्यारी। आई होप की टीलू दीदी इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रही है, तो उनका पसंदीदा गीत अगर आप सुना देंगे तो बहुत खुश होंगे। उनके कई सारे वैसे पसंदीदा गाने हैं और उनको थोड़े से सैड गाने, इमोशनल सॉन्ग्स ज्यादा पसंद है। मुझे भी वैसे कलाकार को तो हमेशा इमोशन से वो जुड़ा होता है, तो इसलिए कलाकारों को इमोशनल गाने ज्यादा पसंद होते हैं, लेकिन एक गाना जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार मिला पर नहीं मिला, साथ निभाता दुख सुख में वो यार मिला पर नहीं मिला, जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार मिला पर नहीं मिला। क्या बात है, अगर हमारी टीलू दीदी सुन रही होंगी प्रोग्राम तो बहुत खुश हुई होंगी। और मैं एक बार फिर से सभी अपने इस वक्त व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि शी इज सच अ लवली पर्सन, बहुत प्यार करती है सभी से और दिल वाली है, बहुत दिल वाली। यस यस यस, चैरिटी के लिए बहुत से प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती रहती हैं और मैं ये चाहूंगी कि आने वाले दिनों में जब कोविड इज ओवर शोज हो और मुख्तार साहब आप भी आए यहाँ पर और फिर टीलू दीदी का शो हो। आई स्टिल रिमेम्बर लास्ट शो जो मैंने कंपेयर किया था, आप आए थे वीजा के साथ, आपने परफॉर्म किया था, तो दैट डे वाज माय बर्थडे, सो वहां पर मेरा बर्थडे मनाया। नाउ टॉकिंग अबाउट कि जब आप टूर पर जाते हैं तो फीमेल सिंगर्स, क्योंकि मुकेश जी के बहुत से ड्यूएट्स भी हैं, तो नेचुरली फीमेल सिंगर्स भी आप
क्या वहीं से लेकर जाते हैं, इंडिया से लेकर आते हैं, या फिर लोकल आर्टिस्ट को आप जो वहां के रहने वाले हैं, जैसे यहाँ यूके में जब आते हैं तो वेदा के साथ आपने बहुत परफॉर्म किया है, जी तो टेल अस जी अबाउट लोकल जो हमारे टैलेंट है यहाँ पर या किसी भी और दूसरी कंट्री में जब आप जाते हैं तो वहाँ लोकल आर्टिस्ट आपको कैसे लगते सभी जगह पर जो लोकल आर्टिस्ट हैं वो काफी अच्छे हैं और काफी अच्छा गाते भी हैं, और मुझे तो बहुत खुशी होती है जहां कहीं भी जहां जाता हूँ वहां के लोकल आर्टिस्ट के साथ अगर गाना परफॉर्म करना है तो अच्छा ही लगता है, और सभी जगह अच्छे आर्टिस्ट हैं, मौजूद हैं। हैं? लेकिन ये कि वहां के लोकल आर्टिस्ट का परफॉर्म करना या इंडिया से अपने साथ सिंगर्स को लेकर जाना, ये हमेशा जो प्रमोटर होते हैं, जो शो के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, उनकी अपनी चॉइस होती है। अगर वो चाहते हैं कि भाई वहां से इंडिया से सिंगर्स बुलवाएं तो वो लोग वैसा करते हैं, मुझे कोई कहता तो मैं अरेंज कर देता हूँ, या सभी के पास सबके कॉन्टेक्ट होते हैं तो वो लोग अरेंज कर लेते हैं, और अगर वैसा नहीं है तो मुझे अकेले को अगर बुलवाते हैं तो मैं उसमें भी बहुत खुश रहता हूँ कि वहां के लोकल सिंगर्स के साथ एटलीस्ट गाने का उस बहाने मौका भी मिलता है। जी, तो जब आप ऐसे वहां के आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करते हैं तो उनके साथ आपकी ठीक रेपो होना, या उन म्यूजिशियंस के साथ अगर आपने रिहर्सल्स नहीं किया तो क्या डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट कि ये शो कैसे चलेगा? आप अपने हर हर आर्टिस्ट अपने बैंड के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है, सो डू यू कम विद जी योर बैंड और लोकल आर्टिस्ट को आप इस्तेमाल करते नहीं, जनरली क्या है सरिता जी, कि अब थोड़ा सा ये होता है कि मुश्किल होता है पूरा ग्रुप को, हर जो भी प्रमोटर होते हैं उनके लिए पूरा पूरा बैंड ऑल द टाइम यहाँ से बुलवाना, सबका एयर टिकट, रहना, खाना, ये सब कुछ थोड़ा कॉस्ट वाइज अगर वाइबल नहीं है उनके लिए तो वो प्रिफर करते हैं वहीं से लोकल बैंड ले लें, म्यूजिशियंस वहीं के लोकल हों, सिंगर्स वहीं से हों और मुझे अकेले को बुलवा ले वहां पर। और 19-20 का फर्क होता है कभी अगर हमने रिहर्सल नहीं की है तो, क्योंकि सभी जगह जो आर्टिस्ट हैं उनको लिस्ट वगैरह पहले से भेज दिया जाता है, सब लोग अपने तरीके से तैयार करके आते हैं घर से होमवर्क करके, और जी स्टेज के ऊपर सभी लोग प्रोफेशनल हैं और इतना सबका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है कभी कभी, 19-20 होता है लेकिन वो चल जाता है। जी पर उनके साथ पहले रिहर्सल्स नहीं होती है उन आर्टिस्ट के साथ, या पहले अगर उनसे? हाँ नहीं, अगर मौका मिल जाता है, जैसे कभी अगर मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मैं 2 दिन पहले कहीं चला गया हूँ प्रोग्राम से पहले, तो डेफिनेटली रिहर्सल करते हैं हम उन लोगों के साथ, जी और वो रिहर्सल हो जाने से सभी लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, अगर जी मौका है तो पर जरूर कर लेते हैं। जी आपने बताया कि हॉलैंड के अभी जो फैंस हैं आपके वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, और हॉलैंड में आपने बहुत से शोज वेदा के साथ भी किए, तो बताना जी चाहेंगे कि वेदा, स्पेशली वेदा फीमेल सिंगर जो यहाँ हमारे यूके की है, बहुत अच्छी प्यारी सी मेरी भी दोस्त है, तो मैं उनके बारे में भी जानना चाहूंगी कि व्हाट डू यू थिंक, शी इज मॉरिशियन सो शी डजंट नो हिंदी और फिर भी हिंदी के गाने इतने प्यार से गाती है, बहुत अच्छी गाती सही है, तो बात है। बताइए हम। जी, वेदा बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी इंसान हैं, और इंसान होता है जो जिसका दिल अच्छा होता है वही अच्छा गा सकता है, और इसी जी वजह से वेदा अच्छी हैं, इसीलिए वो इतना अच्छा गाती हैं, और मैंने देखा है कि इंग्लैंड में तो खास करके उनको बहुत लोग पसंद करते हैं, उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, और जी हॉलैंड के अंदर भी वो एक पहले उन्होंने शुरुआत में प्रोग्राम से की थी और उसके बाद से तो उनको वो लोग काफी वहां पे लोगों ने पसंद किया है, और काफी फ्रिक्वेंटली वो हॉलैंड जाती है अपने शोज करने के लिए, और इतनी अच्छी गायिका है, इतनी अच्छी शख्सियत है, वो हमारी भी दोस्त हैं, तो उसके लिए हमें भी फख्र है, हमें गर्व है कि वेदा के साथ हम भी ओके परफॉर्म करते हैं। आजकल बहुत से रियलिटी शोज होते हैं, देयर वाज अ जी टाइम कि 70s में कोई खास रियलिटी शोज या ऐसा कुछ नहीं होता था, कोई प्लेटफॉर्म बच्चों को नहीं मिल पाता था, लेकिन आजकल अपना टैलेंट दिखाने के लिए अगर रियलिटी शोज में जो बच्चे हिस्सा लेते हैं उन रियलिटी शोज के बारे में आप अपने कमेंट्स देना चाहेंगे कि वे डू दे गो फ्रॉम देयर, यू नो उनको एक्सपोजर वहां तो मिलता है लेकिन उसके बाद मुझे उसका बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है कि ये रियलिटी शोज
करने के बाद, क्योंकि इतने सारे कलाकार आप देखें, इतना सारा टैलेंट है, और ये तो टेलीविजन आया और ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला, उसके बाद लोगों ने देखा कि इंडिया के अंदर अलग अलग शहरों में, कोनों कोनों में, कहाँ कहाँ इतना टैलेंट भरा पड़ा है, और उन टैलेंट को लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया। लेकिन उसके बाद वो जो शोज पूरे हो जाते हैं, उसके बाद शायद कुछ गिने चुने कलाकार ही अपनी कोई एक मकाम या एक जगह या प्लेबैक सिंगिंग या वो बना पाते हैं। बाकी कलाकारों के लिए मुझे बहुत आइडिया नहीं है कि इसका उनका आगे करियर किस तरह से चल रहा है। लेकिन आई सपोज के उन लोगों को एक ऐसा बड़े प्लेटफॉर्म पे आ जाने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनका काम तो चलता ही रहता है। जी उत्तर, वैसे भी म्यूजिक सीन हैज चेंज्ड। पहले संगीतकार का काम करने का ढंग भी डिफरेंट था, लाइव रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी, लाइव बैंड्स के साथ, लाइव म्यूजिशियंस के साथ, फिर ट्रैक पर रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गया। म्यूजिक सीन भी चेंज हो गया। पहले लिरिक्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, आजकल लिरिक्स का कुछ नहीं होता, कोई भी लिरिक्स हो, कहीं भी फिट हो जाए तो उसको अच्छा ही मान लिया जाता है। सो व्हाट डू यू से अबाउट द म्यूजिक सीन दीज डेज, कि क्या है आज का सीन? आज का संगीत, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि संगीत अपने तरीके से, शायद हो सकता है कि जो फिल्म मेकर्स हैं वो, उनकी एक अपनी थॉट प्रोसेस होती है, वो लोगों के दिमाग में एक आइडिया होता है कि फिल्म जो हम बना रहे हैं वो किस एज ग्रुप के लिए है, किस समाज के लिए है, किन लोगों को अपील ज्यादा करेगी, शायद उस हिसाब से कुछ ना कुछ उनके दिमाग में रहता होगा और वो गाने लेते होंगे उस तरह के। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि अगर गानों का जो, जैसे जो पुराने गाने हैं वो जिस तरह से लिखे गए हैं, वो एक उनका एक मीनिंग है, यानी मीनिंगफुल जो सॉन्ग्स लिखे गए हैं उनको म्यूजिक डायरेक्टर्स ने इतने अच्छे संगीत के साथ, एक सहजता के साथ, एक ऐसी ट्यून दी है कि जो ट्यून आसान है, जो काम इंसान गुनगुना सकता है, और उनको सिंगर्स ने इतना खूबसूरती के साथ गाया है, निभाया है। और यही वजह है कि जो पुराना संगीत जो है, पुराने गाने जो हैं, आज 60-70 साल पुराने गाने भी हम आज भी हमको अच्छे लगते हैं और हम आज भी उनको गाते हैं। So, कौन सा एक गाना जाते जाते आप हमारे सभी लिसनर्स को, सभी व्यूअर्स को सुनाना चाहेंगे, मुकेश जी का गाना? देखिए, अभी जैसे हमने बात की कि पुराने पुराना दौर तो ऑलमोस्ट 71 ईयर्स हो चुके हैं, अंदाज फिल्म आई थी, 71 ईयर्स, और उस दौर के गाने देखिए। अभी जैसे मैं चलते चलते जो गाना सबको डेडिकेट करना चाहता हूँ वो उसी फिल्म से है, नौशाद साहब ने संगीत दिया था और दिलीप कुमार जी पर ही गाना फिल्माया गया था। जी तू कहे अगर, कहे अगर, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं, और आग मैं अपने दिल की हर दिल में लगाता जाऊं, दुख दर्द मिटाता जाऊं, तू कहे अगर। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छे। थैंक यू। मुताबिक कोई ऐसी बात जो मैंने ना अब तक आपसे जानी हो, कोई दिन की बात में ऐसा शेयर करना चाहते हैं, अपने सरिता फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं जो मैंने? जी, सरिता जी, आपको मैं इतने सालों से जानता हूं, आप इतनी अच्छी प्रेजेंटर है, इतनी अच्छा आप बोलती हैं, इतनी मीठी आपकी आवाज है, आप, ऐसा हो नहीं सकता कि आप कोई अगर प्रोग्राम कर रही हैं तो उसमें कोई बात मिस हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी खूबसूरती के साथ आपने सारी बातें मुझसे बातें की और सुनने वालों ने सुनी। आई होप कि सब लोगों को मजा आया होगा, सबने एंजॉय किया होगा आज का ये एपिसोड, और आपका ये प्रोग्राम इसी तरह से बहुत 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 तरक्की करता रहे, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे, ऐसी मेरी दिल से शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई विश यू ऑल द लक, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप जल्दी से लंदन में आए और फिर हम एक ही स्टेज पर हो, खूब मजा आएगा, खूब बहुत थैंक यू, सारे थैंक, आपसे सुनेंगे। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।
ये थे मुख्तार शाह जी, जिनसे आपकी भी मुलाकात मैंने कराई और उनके दिल की बातें हमने जानी। मुझे उम्मीद है कि उनके सफर के बारे में जानकर आपको भी बहुत खुशी हुई होगी। और कितने अच्छे सिंगर हैं वो आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जहां भी जाते हैं, जिस स्टेज पर भी गाते हैं, छा जाते हैं। इसी के साथ मैं भी आपसे इजाजत चाहती हूँ। अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। और बता दूं जाते जाते कि अगले हफ्ते मेरे साथ होंगे उस्मान मीर, जिन्होंने रामलीला, गोलियों की वो एंड लवारी जैसे गाने गाए हैं, फिल्मों में भी गाए हैं। ही इज अ फोक आर्टिस्ट, फोक सिंगर हैं, और उन्होंने गुजराती भजन भी बहुत से गाते हैं, बहुत से। ही इज ऑल्सो अ स्टेज परफॉर्मर एंड अ प्लेबैक सिंगर। तो उस्मान मीर होंगे नेक्स्ट वीक मेरे साथ। नेक्स्ट वीक भी मेरा जरूर इसी तरह से साथ दीजिएगा। और ये बता दूं कि दूसरा प्रोग्राम एक और मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, और दैट इज सोलफुल मंडे। सोलफुल मंडे में किसी ना किसी स्पिरिचुअल लीडर के साथ बात करती हूँ। लेकिन लास्ट इस मंडे को मेरे साथ थी सोनल ठुकराल, जिन्होंने हमें लाफ्टर योगा के बारे में बताया, एंड आई हैव गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर दैट प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। अगर आपने वॉच नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल पर जाकर या फिर मेरी फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए, और वहाँ ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं, सोलफुल मंडे एंड हार्ट टू हार्ट। अब बस जा रही हूँ, लेकिन अगले हफ्ते फिर मिलने का वादा। बाय बाय, टेक केयर, और अपना ही नहीं अपनों का भी ध्यान रखिएगा। नमस्कार। Love, precious, ancient crystal structure. The diamond. Pakiza jewels for the precious moments of life. Blossom Affairs offers entertainment, decor, food, photography, and videography, chocolate fountains, photo booths, and much more.